आज के वीडियो में स्पेशली हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि कोई स्किल सीखना चाहते हैं या वो पहले से कोई स्किल सीख चुके हैं और वो उसको पॉलिश करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप जो है वो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जो है वो लाजमी देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना मत भूलें। चले आए, हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज डिजी स्किल्स के हवाले से। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में पहले से जानते हों, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इस हवाले से नहीं जानते और वो जो है वो कोर्स करना चाहते हैं। तो वो डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, हमने गूगल में जाके लिखना है डिजी स्किल्स। तो ये डिजी स्किल्स की वेबसाइट जो है फर्स्ट लिंक से ही हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब देखें, आपको ये इंटरफेस जो है ये नज़र आ रहा है। देखिए फर्स्ट पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा व्हाट इज़ डिजी स्किल्स, वाई डिजी स्किल्स क्यों है जी, वाई शुड हु शुड ज्वाइन। हाँ जी, आप लोगों में से कौन से लोग जो हैं वो डिजी स्किल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से देखते हैं जी कौन से लोग जो हैं वो डिजी स्किल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए मेरे हाल में तो तकरीबन हर स्टूडेंट जो है जो जिसके पास थोड़ी एजुकेशन है वो इस कोर्स में जो है वो इनरोल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि डिजी स्किल्स ने इस हवाले से क्या लिखा है। अ स्टूडेंट हु वांट्स एन अर्ली स्टार्ट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, अ हाउस वाइफ हु वांट्स टू हेल्प इंक्रीज हर हाउस होल्ड इनकम। एक हाउस वाइफ जो है वो औरतें जो घर में रहती हैं वो भी जो है यहाँ से कोर्स कर सकती हैं। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल अभी अर्ली स्टेज पे हैं वो साथ साथ पढ़ रहे हैं और अपनी जो है वो अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। अ फ्रीलांसर हु वांट्स टू इन्हेंस हिज हर स्किल सेट टू स्टार्ट अर्निंग मोर फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट्स। हाँ जी, वो लोग जो कि फ्रीलांस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो भी जो है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। अ प्रोफेशनल हु वांट्स टू ओपन न्यू हॉरिजन्स एंड ऑफर हिज हर सर्विसेज टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। आर जॉब सीकर्स बट 9 to 5 जॉब इज़ नॉट योर पीस ऑफ केक एंड यू वॉन्ट टू बी योर ऑन बॉस। हाँ जी, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और आपकी अर्निंग जो है वो उतनी नहीं हो रही जितनी आप चाहते हैं तो सिंपली जो है वो आप इस कोर्स में जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो हिस्सा लें और वो स्किल्स सीखें जो कि आपके इंटरेस्ट की हैं। और उन स्किल्स के सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो हैं वो बहुत सारे अर्निंग कर सकें। हाँ जी, और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे ये कोर्स जो है ये बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए आपको कोई पैसे जो हैं वो पे नहीं करने पड़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखें कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज जो हैं वो हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ व्यू ऑल पे जाके हम सारे कोर्सेज की डिटेल चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें फ्रीलांसिंग है और इसमें साथ में लिखा भी हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने जो स्टूडेंट हैं अब तक फ्रीलांसिंग के कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। उसके बाद ई कॉमर्स मैनेजमेंट आप यहाँ पे सीख सकते हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद डिजिटल लिटरेसी, उसके बाद ऑटो कैड, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और क्विक बुक्स, वर्डप्रेस। हाँ, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आपको जो है वो डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं कैसे जो हैं वो कामयाब होते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो सक्सेसफुल स्टोरीज दी गई हैं, आप यहाँ से जो है उनके बारे में भी जान सकते हैं। आप यहाँ पे सिटी लिखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें डिफरेंट जो हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया और उसके बाद जो है उन्होंने जितनी अर्निंग की है वो भी साथ में मेंशन है।
और ये कोर्स करने के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपसे कोई भी चार्जेस उस सर्टिफिकेट के नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि इस कोर्स में जो है वो हम इनरोल कैसे हो सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपको देखें डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप अगर बिल्कुल न्यू जो है वो यूज़र हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप। आप साइन अप के बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे। हाँ जी, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यू इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद जो है वो आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे, तो उस हवाले से आप जान लें कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है वो जिस ईमेल को आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ही आप ये पूरा फॉर्म जो इसको फिल करते हैं और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है एक ईमेल आपको मौसूल होगी, ठीक है। और वो ईमेल आपने क्या करना है, अपनी अगर आप जीमेल पे अकाउंट बनाया है तो आपने उसको ओपन कर लेना है और जो भी आपको डिजी स्किल्स की तरफ से जो मैसेज आया होगा आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और वो फिर आपसे साइन इन और पासवर्ड मांगेगा। वो जो आप यहाँ पे जो ईमेल आप आईडी यहाँ पे देंगे और जो पासवर्ड देंगे आपने सेम यही जो है उसके अंदर जो है वो आपने एंटर कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अब मैंने जो है ये फॉर्म ऑलरेडी इसको मैंने सबमिट कराया हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगी, वो कहते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट मौजूद है तो आप उस पर क्लिक करें। हाँ जी, ये देखें ये आपके पास जो है वो एक अकाउंट आ गया है और आपके पास जो है इसकी इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं डियर ट्रेनी, यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोफाइल फर्स्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद एकेडमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर आप एकेडमिक एक्टिविटीज़ में जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो पहले जो है वो आप जो है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। कहते हैं फील्ड्स मार्क विद एन स्टैरिक आर रिक्वायर्ड, जो स्टैरिक जहाँ पे लगा हुआ है ये लाजमी आपने जो है एंटर करनी है, ठीक है। आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम जो भी आपका होगा उसको आपने एंटर कर लेना है, फिर अपनी जेंडर जो है वो सिलेक्ट करनी है, देन अपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद CNIC, कंट्री, सिटी, आपका जो मेलिंग एड्रेस होगा, आपके घर का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। हाँ जी, यहाँ पे जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपने जो है वो कोशिश करनी है आप अपना मोबाइल नंबर भी वो लिखें जिसको आप जो है वो हर वक्त यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपकी जो है वो असाइनमेंट्स आती हैं तो उनके बारे में जो है वो आपकी आईडी पे और आपके जो मोबाइल नंबर पे मैसेज सेंड किया जाता है कि आपका क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है या आपकी कोई असाइनमेंट जो है वो आ चुकी है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या कोई लैपटॉप है आपके घर पे तो आप इसको सिलेक्ट करें। और इंटरनेट की फैसिलिटी आपके घर पे जो है वो किस तरह से आपको नेट जो है वो अवेलेबल होगा उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दें। जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इसको आपने फिल कर लेना है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने जो है उसके ये सारी चीज़ें जब आप सबमिट कर लेंगे तो अब देखें अब आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपने जो है वो MPhil या जो है वो MSc की है या आपने BA किया है तो वो यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास अगर आप मैट्रिक है आपकी क्वालिफिकेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर आपकी जो है वो यहाँ से स्पेशलाइजेशन जो भी है उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट स्टेटस आपका क्या है, जो भी आपका करंट स्टेटस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर एम्प्लॉय हैं तो देन इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आप दे सकते हैं,
ठीक है, जो आपका फ्यूचर प्लान है वो क्या है? आप कोई जॉब करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? हाँ जी, उसके बाद प्रोफिशिएंसी, जो इंटरेस्ट है आपका, रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आप यहाँ पे जो है वो बता सकते हैं आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्या है। आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है या लो एवरेज नॉलेज है, जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, वो आपकी क्या है वो भी आप यहाँ पे उसके बारे में मेंशन कर दें। राइटिंग जो है वो आपकी क्या है वो भी मेंशन कर दें आप। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन कोर्स ऑफ डिजी स्किल्स, आप ये कोर्स जो है क्यों लेना चाहते हैं? ठीक है, तो टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, इनमें से जो भी आप चाहते हैं आप उसके लिए जो है वो इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, वुड यू लाइक टू लर्न, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये जितने भी कोर्सेज यहाँ पे मेंशन हैं, इनमें से कोई दो कोर्स जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, एट अ टाइम आप दो कोर्स जो हैं इसमें से चूज़ कर सकते हैं। वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने इसके हवाले से कहाँ से सुना? न्यूज़पेपर से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है आप जस्ट सिंपली उस पर क्लिक करें। ठीक है, आर यू फैमिलियर विद फ्रीलांसिंग, तो अगर तो आपको पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फिर आप यस पे क्लिक कर दें, लेकिन अगर नहीं पता तो देन आप नो पे क्लिक करके इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करवा दें। ठीक है, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो सिंपली आप जो है वो इसमें इनरोल हो जाएंगे, और जो है आप इनरोल होने के बाद आपके पास कोर्सेज आ जाएंगे, और आपने सिंपली क्या करना है, उनमें से जो है वो आपने दो कोर्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और जब आप ये कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे, ये 12 वीक्स का कोर्स होता है, ठीक है, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीशन के एंड पे जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपको उसके कोई भी चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने पड़ेंगे। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।